नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश के जाने माने क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव कुमार पांडे बिहार में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं सिवान के 4 बार सांसद रहे बाहुबली माने जाने वाले नेता दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब और उनकी पत्नी हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुई हैं। सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव में जब बहुत ज्यादा डिमांड थी कि पप्पू यादव, हिना साहब, कन्हैया कुमार, इन तीनों को कम से कम बिहार के महागठबंधन में एकोमोडेट किया जाए, राजद और कांग्रेस में जो जहां फिट बैठता है उन्हें लिया जाए, उस पार्टी में उस गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, तब उस वक्त की अनदेखी करने के बाद अब ये कोर्स करेक्शन करने की नौबत क्यों आई है? और क्या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी है जो लालू यादव की है और एक राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की है? क्या ये वही स्थिति है जो समाजवादी पार्टी में 2016-17 के दरमियान बनी हुई थी, 2015-16 के दरमियान, कि एक मुलायम सिंह यादव का खेमा था और एक अखिलेश यादव का खेमा था? नुकसान तब भी हुआ था समाजवादी पार्टी को 17 के चुनाव में। क्या परिस्थिति है और किन परिस्थितियों में देर आए दुरुस्त आए जैसी जो बात कही जा रही है हिना साहब के बारे में, वो करने की नौबत क्यों आई है? चलते हैं सीधे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बिहार में दो अलग अलग तस्वीरें आई है, क्रिकेटर ईशान किशन, उनके पिता प्रणव कुमार पांडे जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा बने, वही पूर्व सांसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन के बेटे और पत्नी हिना साहब और ओसामा साहब वो राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा बने हैं। एक तरफ अल्पसंख्यक राजनीति साधने की कवायद शहाबुद्दीन परिवार के माध्यम से, दूसरी तरफ भूमिहार राजनीति साधने की कवायद ईशान किशन के माध्यम से। कौन किस में कितना कामयाब होगा और किसका कोर्स करेक्शन टाइमली है और किसका कोर्स करेक्शन देर से हो रहा है? आपको बताते चले कि मूल रूप से नवादा जिले के रहने वाले हैं प्रणव कुमार पांडे, जो ईशान किशन के पिता हैं। ईशान किशन भी मूल रूप से नवादा जिले के हैं। नवादा जिला में भारतीय जनता पार्टी मजबूत मानी जाती है। नवादा जिले की जो लोकसभा सीट है, नवादा की लोकसभा सीट, कभी गिरिराज सिंह भी वहां से सांसद हुआ करते थे और विवेक ठाकुर है भाजपा के। क्या नवादा जिले की राजनीति में ईशान किशन के ग्लैमर का इस्तेमाल कर भूमिहार राजनीति में अपने आप को जेडीयू एस्टेब्लिश करना चाहती है? और क्या सिवान इलाके में असर क्या पड़ेगा हिना साहब के आने का, क्योंकि माले और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में तो इससे तनाव भी बढ़ सकता है? मतलब राजनीति दोनों जगह अपने तरीके से कहीं उलझती कहीं सुलझती हुई दिखाई दे रही है, किस रूप से आप देखते हैं दोनों पार्टियों के बारे में? देखिए, जो वर्तमान में जो डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो जेडीयू को लेकर हो या आरजेडी को लेकर हो, शुरुआत में आरजेडी से करना चाहूंगा। यही डेवलपमेंट यदि लोकसभा चुनाव से पहले हो जाता अभिषेक जी, तो फायदे में हिना साहब भी रहती, फायदे में लालू यादव भी रहते, फायदे में इंडिया गठबंधन भी होता। आज जो कुछ सीटों से इंडिया गठबंधन सत्ता से दूर रह गई, वो स्थिति नहीं होती। यदि उस समय तेजस्वी यादव या लालू यादव जो हैं, एक अंडरस्टैंडिंग शहाबुद्दीन साहब के परिवार और राजद के बीच में बन जाती, एक अंडरस्टैंडिंग पप्पू यादव और क्या कहते हैं राजद में बन जाती, कन्हैया को लेकर अंडरस्टैंडिंग बन जाती, तमाम ऐसे सीटों पे, मैं तो ये कह रहा हूं कि छपरा वाला भी सीट निकल जाता, गोपालगंज में आपके जो कैंडिडेट है अच्छे पोजीशन में होते। तो ये एक एक बात आपने बिल्कुल सही कहा अपने इंट्रो में कि क्या ये कोर्स करेक्शन है। मैं तो ये कहूंगा राजद के पॉइंट ऑफ व्यू से, इना साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये कोर्स करेक्शन यदि पहले हो गया होता तो दोनों लोग फायदे में होते। निश्चित ही हिना साहब के और उनके पुत्र के राजद में शामिल होने से राजद ही नहीं, इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। एक ठीक ठाक आधार उनका सिर्फ अपने ही मुसलमानों में नहीं है, हिना साहब के परिवार का मुसलमान जी
के बाहर 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 भी देखने की जरूरत ज्यादा है। हिंदुओं में है, दूसरे समुदाय में है। हाँ मैं वही वही चीज कह रहा हूँ कि दूसरे समुदाय में भी उनका ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है और इसका फायदा मुझे लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में होगा। एक बात और महत्वपूर्ण बात बताऊं, राजद पे ये आरोप खासकर लोकसभा चुनाव के दौरान ये लगी कि ये जो अकलियत है मुसलमान है उनको कहीं ना कहीं इन्होंने दरकिनार किया है। यदि आप लोकसभा चुनाव में व्यक्तिगत राजद के टैली को देखें जो संभाव जो जो लोकसभा चुनाव में इन्होंने मतलब टिकटों का जो वितरण किया उसमें कहीं ना कहीं अकलियतों को दी जाने वाली जो एक एक संख्या थी जो 2019 में आपने देखा 2014 में देखा उसमें कटौती की गई और इसका कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज अकलियतों में जा रहा था और नए प्लेयर प्रशांत किशोर के रूप में अकलियतों को एक ऑप्शन आगामी विधानसभा चुनाव में मिलने जा रहा है उस डैमेज कंट्रोल को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए उस डैमेज को डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है कि ये एक 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 बेहतर रणनीति एक बेहतर मैसेज एक बेहतर नैरेटिव जो है तेजस्वी यादव और राजद जो है देना चाहती है। जी लेकिन ये बताइए इनका तो कोई राजनीति से ताल्लुकात नहीं रहा है, क्रिकेटर ईशान किशन के परिवार का, उनके पिताजी पटना में रहते हैं प्रणव कुमार पांडे, उन्हें संजय झा ने जदयू की सदस्यता दिलाई है, नवादा के रहने वाले हैं और जो खबरें छन कर आ रही है कि नवादा जिला में जहां जदयू के पास दो यादवों की जो लड़ाई होती है राजबल्लभ परिवार और कौशल यादव परिवार, राजबल्लभ यादव का परिवार राजद के साथ, कौशल यादव का परिवार जदयू के साथ, राजबल्लभ यादव के परिवार को भी लोकसभा में दरकिनार किया गया जैसे शहाबुद्दीन परिवार को दरकिनार किया गया, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को इंडिया अलायंस में दरकिनार किया गया, वहां एक अलग राजनीति चल रही है, तो क्या जनता दल यूनाइटेड भूमिहार राजनीति में अपना एक चेहरा खड़ा करना चाहती है नवादा में? देखिए तो आए थे अजीत शर्मा, उनकी बेटी एक्ट्रेस है, वो प्रचार कर रही थी कांग्रेस में, क्या फायदा हुआ, नहीं जीत पाए, अब क्रिकेटर के पिता को लाया जा रहा है, एक्ट्रेस के पिता कांग्रेस के काम नहीं आए जबकि नेहा शर्मा जनाधार है। कि नेहा शर्मा और ईशान किशन में अंतर है, ईशान किशन थोड़ा पॉपुलर चेहरा है, अब उस पॉपुलरिटी का कितना फायदा जेडीयू को मिलता है उनको उनके पिता को मिलता है, लेकिन एक मैसेज उस समाज को देने का प्रयास किया गया है खासकर भूमिहार समाज को कि जेडीयू आपके साथ है और जेडीयू मतलब एक समझ जाइए ईशान किशन एक ग्लैमर चेहरा है, बड़े क्रिकेटर है, बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, भूमिहार समाज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक मैसेज तो कन्वे होता ही है ना। हालांकि जेडीयू में उससे पहले ललन सिंह है, अनंत सिंह का भी ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है भूमिहारों में, तो एक मजबूती तो मिलेगी। और नवादा में आपने बिल्कुल सही कहा, नवादा में बीजेपी का जनरली स्ट्रांग होल्ड माना जाता है या राजद का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने का प्रयास जेडीयू ने किया है और जेडीयू चुनाव से पहले तमाम जो क्षेत्र हैं जहां कई चुनावों से जेडीयू की अनुपस्थिति एक ढंग से रही है उसको फुलफिल करने का प्रयास मुझे लगता है ईशान किशन के पिता के रूप में की जा रही है खासकर नवादा वाले बेल्ट में। लेकिन ये दोनों ज्वाइनिंग एक ही दिन हुई है और बिहार की राजनीति में जिस प्रकार की चर्चा है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ये ज्वाइनिंग के मामले में कंपटीशन तो नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को? देखिए एक बात आप एक बात समझ लीजिए, ये अब जो ये जो टाइम है ना अभिषेक जी चुनावी मौसम का टाइम है और इन जो चुनावी मौसम में आपको हर रोज एक नए खबर हर रोज एक खबर ये मिलेगी कि इस पार्टी के नेता उस पार्टी में चले गए, उस पार्टी के नेता इस पार्टी में चले गए, इस विधायक ने इस्तीफा दे दिया, उस विधायक क्या कहते हैं फन्ना पार्टी में चले गए, तो चुनावी मौसम में ये होते हैं और हर पार्टी ये चाहता है कि उनके पार्टी में ग्लैमर से लेकर ऐसे लोगों के एंट्री कराया जाए जो जनता को अट्रैक्ट कर पाए, जो समाज का वोट उस पार्टी को मिल पाए, तो ये हर पार्टी चुनावी मौसम में करती है। हालांकि हिना साहब के राजद में जाने से मुझे लगता है कि सिवान वाले बेल्ट में सिवान गोपालगंज छपरा वाले बेल्ट में पार्टी को कहीं ना कहीं
मजबूती मिलेगी और आप इस बात से सहमत होंगे कि इन दिनों एक मैसेज, नेगेटिव मैसेज राजद के लिए हो रहा था कि आप MY की पार्टी तो बोलते हैं लेकिन MY में जो M को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे हैं, M का वोट चाहिए लेकिन रिप्रेजेंटेशन आप नहीं दे पा रहे हैं, तो ये गलत। दूसरा, ये साबुद्दीन को लेकर एक मैसेज जरूर है कि जो रिस्पांस राजद फैमिली के तरफ से साबुद्दीन परिवार को, साबुद्दीन को मिलना चाहिए था उस समय, वो राजद के तरफ से नहीं मिला। और मैं, आप जानते हैं अभिषेक जी, आप पुराने पत्रकार हैं, पुराने जो चीजें हैं है, वो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से याद रहता है। राजद में मुझे लगता है कि साबुद्दीन ही वो एक सिंगल नेता था जिसके नॉमिनेशन में खुद लालू यादव जाते थे, और साबुद्दीन ही एक सिंगल नेता 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 थे राजद में जिनका लालू दरबार, लालू फैमिली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। और एक बात ये भी सही है कि जब राजद परिवार, खासकर लालू यादव का वोट नहीं मिलता था सांसद के चुनाव में, बावजूद वो जीतते थे। देखिए साबुद्दीन की बात है, मुसलमानों के अलावा अगली जातियों का भी वोट मिलता था, लेकिन साबुद्दीन के राजद में होने से पूरे जो बिहार, पैन बिहार मुसलमानों में एक मैसेज आता था कि एक मजबूत नेता मुसलमानों का, एक मजबूत नेता राजद में है और मुसलमानों के साथ अनदेखा नहीं किया जा सकता तब जब साबुद्दीन जैसे लोग राजद में हैं। लेकिन जब साबुद्दीन बीमार पड़े, जेल गए और जो रिलेशन बिगड़ा लालू यादव के परिवार और साबुद्दीन के बीच में, और मुझे लगता है कि एक एक खबर ये भी था कि लालू यादव चाहते थे कि साबुद्दीन की जो बेवा है यानी हिना साहब है वो चुनाव लड़े राजद के सिंबल पे, और ऐसी खबर थी कि हिना साहब ने ही ठुकरा दिया था ये ऑफर, क्योंकि हिना साहब इस बात से नाराज थी कि जो उस समय जब हमारा परिवार संकट की स्थिति में था और जो रिस्पॉन्स लालू यादव और उनके परिवार की तरफ से मिलना चाहिए था वो उस समय नहीं मिला। और मैं आज भी कहता हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पे, हिना साहब खुद बहुत मैच्योर महिला हैं, बहुत ही मैच्योर लीडर हैं, और आपने देखा कि वो अपने अकेले अपने अपने दम पे एज ए निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती से चुनाव वो लड़ी, और राजद के उम्मीदवार तीसरे नंबर पे थे जो कुछ दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी पे आसीन थे। आप समझ सकते हैं कि अवध बिहारी चौधरी जैसे व्यक्ति को राजद ने उम्मीदवार बनाया, फिर भी साबुद्दीन के विश्वास पात्र हैं। विश्वास पात्र हैं, विश्वास बिल्कुल बिल्कुल। जब साबुद्दीन खुद जिंदा थे तो ये इन लोगों का क्या सिवान में क्या उपस्थिति था या सिवान के राजनीति में क्या महत्व था आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। सिवान मतलब साबुद्दीन, सिवान क्या, सिवान, गोपालगंज, छपरा, तमाम इन मतलब जो क्षेत्रों में मतलब साबुद्दीन। तो ये तो पकड़ है उस परिवार का। लेकिन मैं वर्तमान राजनीतिक हालात में अभिषेक जी कहूंगा, एक दूसरे की जरूरत थी, उनको भी ये था कि वो लगातार चुनाव लड़ रही थी, या साबुद्दीन साहब जिंदा थे फिर भी वो चुनाव हार गए, उनके बाद उनकी बेवा हार गई, लगातार चुनाव हार गई, इस बार भी चुनाव हार गए, तो एक दूसरे की जरूरत वर्तमान हालात में मुझे लगता है एक दूसरे की जरूरत थे, और ये कहीं ना कहीं देर सवेर कोर्स करेक्शन किया गया। ऋषि जी एक बात बताइए कि माले के साथ गठबंधन अब किस रूप में राजद का चलेगा साहबुद्दीन परिवार की एंट्री के बाद, प्रोस एंड काउंस दोनों पर हमें चर्चा करनी होगी। बिल्कुल, देखिए लेकिन देखिए आप एक बात नोट कीजिए कि लोकसभा चुनाव में सिवान जो है राजद अपने खाते में उस सीट को लोकसभा में सिवान लोकसभा क्षेत्र को राजद ने अपने खाते में रखा, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ सीटों पे रसाकसी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये लालू यादव और माले के जो शीर्ष लीडर हैं उनको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, क्योंकि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, आपको बीजेपी, यदि बीजेपी JDU गठबंधन में रहती है तो आपको JDU बीजेपी जैसे मजबूत गठबंधन को पटकनी देनी है, और यदि पटकनी देनी है तो कुछ न कुछ समझौता करने होंगे, कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा, नहीं बनाएंगे तो यही स्थिति रहेंगे, हमेशा विपक्ष में
15-20 सालों से विपक्ष में हैं, आगे भी रहेंगे, यदि चुनाव जीतना है तो अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा जी। 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है, जनता दल यूनाइटेड के विधायकों, सांसदों, विधान पार्षदों की एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। राजनीतिक हलकों में इसको लेकर बहुत तरह की चर्चा है, उसके ठीक पहले ये सब ज्वाइनिंग चल रही है, और इन ज्वाइनिंग के बीच में चाहे ईशान किशन के पिता की ज्वाइनिंग हो या शहाबुद्दीन के बेटे की ज्वाइनिंग, कहीं राजद में कहीं जदयू में, और इस विधायक दल की बैठक के ठीक पहले जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है गिरिराज सिंह, हरिभूषण ठाकुर बचौल, प्रदीप सिंह, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान, और इन बयानों के बीच जनता दल यूनाइटेड का असहज होना। क्या लगता है नीतीश कुमार कोई मैसेज बढ़ा देंगे या सरप्राइज बढ़ा देंगे? देखिए मैं बार बार कहता हूं, पूरे स्टोरी का दो भाग है। जब गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, उससे पहले ही जब ये घोषणा हुआ, उससे पहले ही नीतीश कुमार के जो मैसेंजर हैं, जो बीजेपी जेडीयू के बीच में सेतु का काम करते हैं, उनके माध्यम से बीजेपी पार्टी हाईकमान को ये मैसेज दिलवा दिया गया कि इस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, इस पर तुरंत आनन फानन में रोक लगाइए। और नतीजे क्या निकले, सीना ठोक के गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला, और हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान क्या क्या हुए आपके संज्ञान में, लोगों के संज्ञान में, हमारे सम्मानित दर्शकों के संज्ञान में, क्या क्या बयान दिया गया, प्रदीप सिंह ने क्या बयान दिया, क्या अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि एक थप्पर, यदि कोई मुसलमान आपको एक थप्पर मारता है आप उसको 100 थप्पड़ मारिए, और अन्य बयान भी आए होंगे। तो क्या ऐसे बयानों से नीतीश कुमार कंफर्ट महसूस करते हैं? और मुझे लगता है कि कल जो बैठक होगी, जो क्लोज डोर मीटिंग है सांसद विधायकों का, विधान पार्षदों का और पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं का, उसमें इस बात का चर्चा होगा कि यदि हम एनडीए में हैं और हमारे कहने के बावजूद भी इस प्रकार के यात्रा की राजामंदी दी जाती है, इस प्रकार की यात्रा पे पार्टी हाईकमान सहमति देते हैं, तो क्या एनडीए में रहना उचित है, एनडीए में रहते हुए विधानसभा लड़ना फायदेमंद होगा कि कोई अलग राह अपनाया जाए? कल मुझे लगता है, जहां तक मैं आपसे भी समझता हूँ, विधायकों के अधिक से अधिक, मुझे लगता है सबसे पहले नीतीश कुमार अपने विधायकों के मन टूटना चाहेंगे, विधायकों की क्या राय है, क्योंकि आप जानते हैं नीतीश कुमार का अपना एजेंडा है, नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का स्टाइल है, और वो हमेशा कहते हैं कम्युनिज्म पे वो समझौता नहीं करेंगे। और मुझे देखिए, मुझे कहीं ना कहीं अभिषेक जी इस बात से आप भी सहमत होंगे कि ऐसे यात्राओं से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। नीतीश कुमार का मुसलमानों में भी एक बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं, और जिस एरिया से ये यात्रा निकाला गया है वहां पे जो आप देखिए लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने ठीक ठाक परफॉर्म वहां पे उस एरिया में किया है, तो कहीं ना कहीं यदि इस प्रकार के यात्रा निकलते हैं तो उससे उसका नुकसान तो बीजेपी को, तो ये लोग वोट करते नहीं है, वोट करते हैं जेडीयू को, तो नुकसान तो जेडीयू को उठाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जेडीयू को कमजोर कर, जेडीयू को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात और कहकर खत्म करूंगा, यदि नीतीश कुमार ने मैसेज दिया और मैसेज को ओवे नहीं किया गया, यानी माना नहीं गया, तो मुझे लगता है कि जेडीयू का कोई एक बड़ा नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन मैं सोर्सों के आधार पर बता रहा हूं, कोई एक बड़ा नेता नंबर दो को ये विश्वास दिलाया है कि यदि नीतीश कुमार इधर से उधर होते हैं या इधर से उधर करवाते हैं तो जेडीयू का एक बड़ा धारा बीजेपी के साथ बनी रहेगी। संसदीय दल का या विधायक दल का? अब मैं नाम नहीं लूंगा, ये थोड़ा मतलब ये हो जाएगा, थोड़ा ये मतलब ये हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरे दमखम के साथ कह रहा हूं कि जेडीयू का एक बड़ा नेता नंबर दो यानी अमित शाह जी को ये विश्वास दिलाया है कि यदि इस प्रकार का कोई डेवलपमेंट होता है, नीतीश कुमार कोई नए डिसीजन लेते हैं, नए डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो इस बार आर और पार कराने में
वो पूरे मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और मजबूती के साथ खड़े नहीं रहेंगे तोड़ फोड़ में वो पूरे मजबूती के साथ लगेंगे। और जेडीयू का एक बड़ा धारा टूट के बीजेपी के साथ मर्ज करेंगे। इस प्रकार का आश्वासन दिया गया है। आप समझ जाइए, नीतीश कुमार यदि किसी चीज को लेकर मैसेज करते हैं, उनका अपना रिजर्वेशन किसी चीज को लेकर है और ये कन्वे किया गया है कि इस प्रकार की यात्रा बिहार में संभव नहीं है, फिर भी गिरिराज सिंह यात्रा निकालते हैं, फिर भी प्रदीप सिंह बयान देते हैं, फिर भी बचौल बयान देता है, तो समझिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है, लेकिन सवाल यही है कि क्या जनता दल यूनाइटेड को बिहार में तोड़ पाना आसान होगा किसी के लिए? क्या इस आश्वासन के पीछे कोई ताकत है? क्या संसद, क्योंकि नरेंद्र मोदी को तो विधायक दल नहीं चाहिए सरकार बचाने के लिए, उन्हें तो संसदीय दल में टूट चाहिए। तो संसदीय दल में टूट, क्या जनता दल यूनाइटेड में ऐसे सांसद है जो जेडीयू छोड़ करके बीजेपी के साथ चले जाए? ये तो आप अनुमान लगाइए, कौन वो नेता है जो आप सुन लीजिए भैया, ऐसे कौन से नेता हैं जो अभी नीतीश कुमार के भुजा गैंग से बाहर हैं, भुजा पार्टी से बाहर हैं? कौन से नेता हैं जो सुनिए ना ऐसे कौन से नेता हैं पटना आते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं होती है? होती है भी तो दोनों का मुंह फुला फुला सा होता है, फूफा की तरह दोनों लोग फूफू फुलाए होते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं दिख रहा है। क्यों 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 एक चर्चित आईएएस को नीतीश कुमार के दरबार से साइडलाइन कर दिया गया है? क्यों क्यों एक जूनियर आप सुनिए, मैं बता रहा हूं एक जूनियर आईएएस जो कुछ दिनों पहले कमिश्नर थे पटना के, वो नीतीश कुमार के साथ पीछे पीछे वाले सीट पे बैठते हैं, जहां नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के बगल में कुमार रवि बैठते हैं, और जहां जहां जिनको बैठना चाहिए वो बैठे नहीं है, और उनसे सीनियर जो हैं आगे बैठे हैं सिद्धार्थ, मतलब ब्यूरोक्रेसी नीतीश कुमार के जो नीतीश कुमार के सबसे दुलारे रहे हैं। आप पूर्व से देखिए, कभी आरसीपी सिंह थे, कभी एक दीपक कुमार जी थे, दीपक कुमार जी के जहां दीपक कुमार जी जनरली बैठा करते थे नीतीश कुमार के साथ, अब वहां कुमार रवि बैठ रहे हैं। कुमार रवि छोड़ दीजिए, सिद्धार्थ आगे वाले सीट पे हैं, जनरली तो सिद्धार्थ को नीतीश, यदि सिद्धार्थ और कुमार रवि है तो सिद्धार्थ को नीतीश के बगल में बैठना चाहिए, कुमार रवि को आगे वाले सीट पे बैठना चाहिए। कल की घटना है जी, तो ये नीतीश कुमार, नीतीश कुमार तो देखिए नीतीश कुमार बहुत इंटेलिजेंट नेता है, लेकिन एक फिल्म का गाना है, एसडी बर्मन का गाना है, सुन लीजिए एक मिनट, एसडी बर्मन साहब का गाना है, जब माझी ही नाव डूबे, क्या गाना है वो, माझी ही नाव डूबे तो फिर नैया कौन बचाए, कौन खेवैया, क्या खेवैया ही नाव डुबाए तो नाव फिर कौन बचाए, वो गाना है, पूरा लाइन मुझे याद नहीं है, एसडी बर्मन साहब का। अब चलते चलते अब हम बता देते हैं आपको एक चीज और, वो गाना क्या है, एक लाइन बता दीजिए, वो गाना मुझे नहीं, वो याद गाना आ रहा क्या है, एसडी बर्मन, मुझे याद नहीं आ रहा। आप एसडी बर्मन के जमाने के आप आदमी है, हम लोग आज के जमाने के हैं, कैसे होगा? अच्छा हिमेश रेशमिया वाले जमाने के, उससे बाद वाले जमाने के। खैर एक चीज मैं आपको बता दे ऋषि जी, बिहार के ब्यूरोक्रेट आमतौर पर दिल्ली की सैर करते रहते हैं, और एयरपोर्ट पर और फ्लाइट में नेताओं से भी मिलते रहते हैं, और अंतःपुर की सारी कहानी बताते रहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो। तो बिहार में जो चल रहा है, मुख्यमंत्री क्या सोच रहे हैं, मुख्यमंत्री कल क्या करेंगे, मुख्यमंत्री की बैठक में क्या होगा, ये सारी बातें ब्यूरोक्रेसी लोगों को बताती रहती है, मुख्यमंत्री कब किसको विपक्ष परिवर्तन कराएंगे, ये सब एयरपोर्ट के लाउंज में बैठ कर बिहार के ब्यूरोक्रेट नेताओं को भले ना पता हो, लेकिन टॉप लीडरशिप को बताते रहते हैं निजी बातचीत में, घेर घेर के बताते रहते हैं। तो इस परिस्थिति में बिहार किधर जा रहा है, बिहार को समझने के लिए सबसे पहले कल की बैठक का इंतजार कीजिए, 24 घंटे से भी कम वक्त है जी, स्पष्ट संकेत तो आ ही जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। देखिए देखिए एक बात, देखिए अभिषेक जी एक बात हम आप अभी ये समझ लीजिए, नीतीश कुमार 5 वाले 10 वाले या 15 वाले नीतीश कुमार नहीं रहे, जिस प्रकार से गिरिराज सिंह ने बयान दिया है, जिस प्रकार से गिरिराज सिंह ने यात्रा
मना करने के बावजूद वो यात्रा उन्होंने निकाला है। प्रदीप सिंह बयान दे रहे हैं, ये 5, 10, 15 वाले नीतीश कुमार होते तो फैसला हो गया होता। तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं, कमजोर कर रहा है। अब ट्विटर पर अरेस्ट कमजोर क्यों हुए हैं, क्या उम्र का हवाला है, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, पार्टी पे कमांड कम हुआ है, या जिस पे विश्वास करते हैं वही वही सहयोगी दल के साथ उनकी अनेक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अब उन्होंने आरसीपी पे भरोसा किया, आरसीपी का वो भूपेंद्र यादव से अच्छे संबंध होने लगे है, तो ये तमाम चीजें हैं समझने की जरूरत है जी। मतलब मोटे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि बिहार में आने वाले वक्त में बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा। अभी आज आप ट्रेलर देखे हैं कि क्रिकेटर ईशान किशन के पिता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे दोनों ने एक अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को ज्वाइन किया है, एक ने राजद को, एक ने जदयू को। और बिहार की राजनीति में असली उथल पुथल का दिन या उथल पुथल के संकेत का दिन या राजनीतिक वार्निंग का दिन वो तो कल का दिन है। कल फिर ऋषि जी हमारे दर्शकों को कल बेसब्री से इंतजार है कि पटना में क्या होता है। जैसे ही खबर आएगी कि अंदर में मूड कैसा है, हम अपने दर्शकों के साथ रूबरू हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऋषि मिश्रा जी ने आज संडे के दिन भी उनको हम लोगों ने तंग किया, दीपावली की तैयारी में दिल्ली छोड़कर के मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं ऋषि जी, और मुजफ्फरपुर ऋषि जी पहुंच चुके हैं, हम भी पहुंचने वाले हैं बिहार। और बिहार में जिस प्रकार से दिवाली और उसके बाद छठ का माहौल होता है, उस माहौल के बीच में सियासत की तपिश यदि बढ़ने लगे, मौसम की ठंडक पड़े, सियासत की तपिश बढ़े, तो कुछ ना कुछ अनोखा होना तय है। देखिए वो अनोखा किस रूप में सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।